सहारनपुर में फाइनेंस कंपनी की महिला कर्मचारी से हुई लूट का रामपुर मनिहारान पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले चार बदमाश सौरभ पुत्र भूषण, टिंकू पुत्र लक्ष्मीचंद, सचिन पुत्र कंवरसेन व शाहरुन उर्फ शाहरुख पुत्र गियूर को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से लूटी गई रकम के 63,388 रुपये, 3 बाइकें व 1 तमंचा व 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। मामले की जानकारी एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। कल दोपहर में करीब 11:30-12 के अराउंड एक महिला के साथ, जो सोनाटा फाइनेंस कंपनी में कलेक्शन एजेंट का काम करती हैं, उनके साथ लूट हुई थी। तुरंत हमारी सर्विलेंस एक्टिव हुई, तुरंत हमारी जो एसओजी टीम है वो भी एक्टिव हुई, सरामपुर मनिहारन टीम भी एक्टिव हो गई और ये 12 घंटे के अंदर ही अंदर इन्होंने खुलासा कर दिया। इसमें लूट की घटना कारित करने वाले 3 अभियुक्त थे हमारे, इसमें से सचिन और सौरभ साचलू गांव जो है, जहां पे साचलू गांव वो भी है जहां से ये महिला कलेक्शन करती थी और कल भी इसने वहां से कलेक्शन किया था, साचलू गांव के रहने वाले हैं। ये पहले ही इस महिला का पैटर्न ऑब्जर्व कर चुके थे, क्योंकि ये महिला हर एक मंगलवार छोड़कर वहां पे उसका वही रूट रहता था कलेक्शन का। और इनके साथ एक सहायक था टिंकू, ये बड़गांव थाना क्षेत्र का रहने वाला है, महेशपुर गांव का, ये सौरभ के टच में था। इन दोनों ने एक मोटरसाइकिल पे थे सौरभ और टिंकू, और एक मोटरसाइकिल में सचिन था। तो सचिन रेकी कर रहा था, सौरभ टिंकू ने एक्चुअली झपट्टा मार के ये पिट्ठू बैग छीना था इसमें से। और जब इनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि घटना के बाद ही इन्होंने पिट्ठू बैग तो जला दिया है, लेकिन हमें सोनाटा फाइनेंस कंपनी का आईडी कार्ड और उसमें जो भी कागज़ थे वो मिले हैं, और जो लूट की घटना में टोटल 63,000 कुछ रुपये लूटे गए थे वो पूरे की पूरी 100% इसमें रिकवरी हो गई है। एक तमंचा भी इनके पास से बरामद हुआ है। जब सौरभ से पूछताछ हुई तो सौरभ ने ये बताया कि वो एक लड़का है शाहरुख और नावेद, इन दोनों के साथ ये पहले मोटरसाइकिल भी चोरी कर चुका है, तो एक चोरी की मोटरसाइकिल कुछ जो करीब 4 महीने पहले कुतुबशहर से चोरी हुई थी वही बरामद कर ली गई है। सहारनपुर में दुर्गा अष्टमी पर बुधवार को कंजक पूजन हुआ। सुबह पहले श्रद्धालुओं ने मंदिरों में जाकर माँ दुर्गा की आराधना की, इसके बाद अपने घरों में पहुंचकर कंजकों को आमंत्रित कर उन्हें भोजन कराया। इससे पहले सभी कंजकों के जल से पैर धोकर उनके माथे पर तिलक किया, बाद में सभी कंजकों को हलवा पूरी का भोजन करवाकर उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद सभी कंजकों को उपहार दिए गए। कालेन्द्रानंद स्वामी महाराज ने बताया कि नवरात्र में पूजा अर्चना करने से माँ सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। प्राचीन काल से मान्यता चल रही है कि जो साधक नवरात्र का व्रत कर अष्टमी के दिन कन्याओं की पूजा कर उन्हें श्रद्धापूर्वक भोजन करवाते हैं, उन पर माँ भगवती अपना आशीर्वाद रखती है। और माँ भगवती के चैत्र नवरात्रे वो प्रकृति का रूप है, स्वम प्रकृति, जो पोषित सभी जीवों को करती है, क्योंकि इस समय सभी जितने भी फसल हैं, जितने भी जीव हैं और जितने भी जगत में नव रस पैदा होते हैं वो इसी मास में पैदा होते हैं, यहाँ तक कि शरीरों में भी इस मास में रक्त जो है वो ज़्यादा बनता है। तो प्रकृति जो है वो नवरस, तो नवरस आधार पर जगत का पोषण करती है, तो उसी आधार पर नवरात्र पूजा जो है वो सभी लोग मना रहे हैं। तो आज जो है वो नवरात्रों की पूजा है, नवरात्रों में जो है कन्या पूजा जो है आज जो है वो कन्या पूजन हो रहा है। धन्यवाद। सहारनपुर में सम्राट अशोक महान की जयंती के उपलक्ष्य में ऑल इंडिया सैनी सेवा समाज और भागीरथ सेना के तत्वाधान में कार्यक्रम सर्किट हाउस रोड साहिब जी नगर में रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि ऑल इंडिया सैनी सेवा समाज के प्रदेश अध्यक्ष श्री ओमपाल सैनी जी और भागीरथ सेना के संस्थापक सोनू सैनी सुदर्शन रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर हंसराज सैनी प्रदेश महामंत्री ऑल इंडिया सैनी सेवा समाज ने की। महिलाओं में सुनीता सैनी महिला प्रदेश अध्यक्ष ऑल इंडिया सैनी सेवा समाज, बबीता सैनी भाजपा नेता ने अपने विचार रखे। दुर्गा अष्टमी के अवसर पर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सागर जैन द्वारा मां शाकंभरी देवी मेले की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया गया तथा ड्यूटीरत अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बाकी
सहारनपुर के सुभाष नगर स्थित प्रसिद्ध सनातन धर्म मंदिर में आज नवरात्रि के आठवें दिन भव्य महागौरी की भजन संध्या हुई, जिसमें भक्ति रस की वर्षा अपने रसीले भजनों से शालिनी चावला, सुमन पटपटिया व कुसुम राणा ने समा ही बांध दिया। इनके मनमोहक भजनों को सुनकर महिला श्रद्धालु मंत्रमुग्ध नजर आई और झूमते नाचते हर धर्म लाभ उठाया।